थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑफलाइन क्लासेस फ्यूसिस जूनियर विंग लेनिन चौक अपोजिट प्रशांत होंडा। गाइस, हम लोग एक्चुअली अभी कर क्या रहे हैं, हम लोग हैं अभी क्लास सेवेंथ में। किस क्लास में है भैया? क्लास सेवेंथ की। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स। क्या भैया? मैथ्स। जिसमें भी जो हमारा चैप्टर है ना, वो क्या चल रहा है? इंटीजर चल रहा है। क्या चल रहा है? इंटीजर चल रहा है। अभी तक हमने चैप्टर को स्टार्ट नहीं करा, जस्ट उसके बेसिक फैक्ट्स वी हैव ऑनली डिस्कस्ड द बेसिक फैक्ट्स ऑफ द चैप्टर इंटीजर्स, लाइक द वी हैव स्टडीड द नंबर सिस्टम्स, नहीं डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर सिस्टम्स, इंटर कन्वर्जन, वेरियस काइंड ऑफ नंबर्स एंड देयर आफ्टर कुछ हम लोगों ने कल नंबर एंड पे एडिशन की बात करी थी। तो सबसे पहले चीज़ पहले समझना है कि एडिशन प्रॉपर्टीज तो पढ़ेंगे, एक हमने क्लोजर प्रॉपर्टी का डिस्कशन भी करा था, लेकिन बिफोर गोइंग फर्दर आई वॉन्ट टू डिस्कस व्हाट, हाउ डू वी एड द इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं, इन चीज़ों के रिगार्डिंग हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स, एडिशन ऑफ, और थोड़ा सा यहाँ पर फिर से हम लोग लेंगे नंबर लाइन का हेल्प। किसका हेल्प? नंबर लाइन का हेल्प लेंगे। गाइस देखो, कल जैसे मैंने बात करा, जैसे अगर मान लो इफ यू हैव गिवेन माइनस थ्री प्लस फोर, इफ यू हैव टू ऐड फोर टू माइनस थ्री, व्हाट विल हैपन? देखो, अगर ये अपना जीरो है, हाँ गाइस, ये लेफ्ट साइड में क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर्स। लेफ्ट साइड में अपना क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। राइट में, राइट साइड ऑफ जीरो क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होता है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ध्यान से देखिए, व्हाट वी हैव टू एक्चुअली डू, करना क्या है? वी हैव टू ऐड 4 to -3। तो सबसे पहले माइनस थ्री के पास जाना होगा, मतलब माइनस थ्री का मतलब क्या? जीरो माइनस थ्री इज माइनस थ्री है कि नहीं? तो एट फर्स्ट हम कहाँ जाएंगे? मैंने कल बताया था कहाँ गए? -3। एंड क्या करना है? ऐड करना है गाइस। क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करना तो कहाँ जाएंगे? राइट साइड जाएंगे। कहाँ जाएंगे? राइट साइड जाएंगे। कितने? 1, 2, 3, 4। फाइनली कहाँ पहुँचे हम? 1 पे ना, 1 पे पहुँचे, ठीक है। इसका रिजल्ट कितना आया? 1 आया। लेकिन कैसे हो गया ये? माइनस थ्री को अगर 4, हाँ बोलो, हाँ माइनस प्लस माइनस होता है। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी भ्रम को अभी हम लोग करेंगे ब्रेकआउट और देखेंगे चीज़ें कैसी होती है। चलिए बैठिए सर। माइनस प्लस माइनस नहीं होता है। सिंपली कैसे कह देंगे कि माइनस प्लस माइनस होता है? नहीं कहना। देखिए, सबसे पहले समझिए, ये इन्होंने जो कहा, यश बाबू ने जो कहा अभी, वो गलत नहीं कहा अपने हिसाब से। अकॉर्डिंग टू हिम दैट इज़ वेरी करेक्ट, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ वेरी इनकरेक्ट। समझ रहे हो ना? व्यूज बदल गए, चीज़ें बदल गए। समझिएगा, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोग जब पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, व्हाट ये पढ़ेंगे जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स गाइस, तो क्या होगा? क्या होगा? ठीक है ना? तो चीज़ें क्या होंगी? मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, तो अगर हम क्या करते हैं, सेम साइन ऑफ इंटीजर्स, अगर दो इंटीजर्स हमारे पास ना, और उनके साइन क्या है? सेम है, सिमिलर साइन वाले हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। एग्जांपल देखें, अगर हम माइनस थ्री को मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस फोर से, तो माइनस मल्टीप्लाइड माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस। एंड थ्री फोर जा कितना हो जाएगा? 12। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा।
नॉट इन द केस ऑफ एडिशन। दूसरा बात देखिए, इफ़ यू हैव टू इंटीजर्स एंड बोथ हैविंग द साइन पॉजिटिव, बोथ हैविंग द साइन पॉजिटिव, देयर आफ्टर अगेन द प्रोडक्ट विल बिकम पॉजिटिव, तब भी क्या होगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल में कह सकते हो प्लस 5 मल्टीप्लाई प्लस 3, द रिजल्ट इज प्लस 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 नहीं प्लस मल्टीप्लाइड प्लस इज प्लस। ओके, 5 3 टाइम्स कितना हो गया, 15। देखो एक्चुअल में क्या है, क्या है, ध्यान से सुनोगे मेरी बात को, अगर हम प्लस 5 लिखे, माइनस 7 लिखे, कुछ भी लिखे, इफ वी राइट एनी इंटीजर दैट पॉसेस टू पार्ट्स, उसके पास कितने पार्ट्स हैं, टू पार्ट्स हैं। देखो एक क्या है, साइन वाला पार्ट है, क्या है, साइन, और एक है इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड, क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड, क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। एक हो गया अपना मैग्नीट्यूड, दूसरा हो गया साइन, मतलब ये हो गया वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये हो गया साइन, दोनों मिलकर क्या है, इंटीजर है, दोनों मिलकर के बोलगा क्या है, इंटीजर। समझ में आई बात मेरी? अब देखो तो ध्यान देना क्या है, जब भी मल्टीप्लिकेशन हो तो पहले साइन पे वर्क कर लेना है और फिर उनके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जो भी साइन का प्रोडक्ट होगा उसको लिख करके, और जो उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा, अभी हम लोग इंटीजर्स में पढ़ेंगे कि प्लस कब होगा माइनस कब होगा। जैसे अब देखिए इसी चीज़ को समझ ही लेते हैं, पढ़ेंगे क्या, समझ लेते हैं कि प्लस 5 कब होगा और माइनस 5 कब होगा। तो नंबर लाइन पे तो हमने देखा कि प्लस 5 कब होगा, जब हम राइट साइड ऑफ जीरो जाएंगे, व्हेन वी विल मूव टुवर्ड्स राइट ऑफ जीरो वी विल गेट द पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 5 यूनिट राइट साइड चले जाएंगे तो वी विल गेट द प्लस 5, ठीक है। 5 यूनिट्स पीछे आएंगे किस है, लेफ्ट वार्ड में, तो माइनस 5 आएगा। सिमिलरली देखो अगर ये अपना ग्राउंड लेवल है, क्या है, ग्राउंड लेवल, क्या है भैया, या फिर ये अपना सी लेवल है, क्या है, सी लेवल। अभी चीज़ें पूछी जाएंगी, ये एक्सरसाइज में होगा, घर पे जाकर काम करेंगे आप तो ये चीज़ें एक्सरसाइज में होंगी। सी लेवल का मतलब हो गया, ठीक है, सी लेवल मतलब जहाँ पर सी का वाटर लेवल, ठीक है गाइस। अब इसे जितना ऊपर जाएंगे, सी हो गया न्यूट्रल, जीरो, सी लेवल क्या हो गया, जीरो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हुआ जीरो को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अब जैसे ही क्या होगा, सी लेवल से ऊपर जाएंगे, एबव सी लेवल, एबव सी लेवल, बात समझो, चीज़ें क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, बढ़ रही है ना, हाइट क्या होगा, सी लेवल से इंक्रीज कर रहा है, अब डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यस, नहीं समझ में आया, अरे सी लेवल चलो छोड़ दो, तुम बैठे हो ना ग्राउंड लेवल, इससे ऊपर जाओगे तो फ्लोर नंबर बढ़ते चला जाएगा ना, और नीचे जाओगे तो फ्लोर नंबर डिक्रीज होते चला जाएगा ना, इसमें कोई तकलीफ है, और सरफेस है, और सरफेस है, हाँ, उससे ऊपर आ रहा हो तो हाइट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, और गड्ढा खोद के नीचे जाओगे तो हाइट डिक्रीज करेगा गाइस, होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो वो भी तो वही बात है। तो अगर कहा गया एबव सी लेवल तो इसमें क्या हो रहा, हाइट में क्या हो रहा, हाइट एक्चुअली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जब डाउन आएंगे बिलो सी लेवल तो क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा, डिक्रीज इन हाइट, डिक्रीज इन हाइट, बात समझो। तो जब इंक्रीज लगा तो साइन क्या लगेगा, पॉजिटिव, जब वर्ड डिक्रीज आ गया तो क्या लगेगा, नेगेटिव, प्लस साइन माइनस साइन, कोई दिक्कत है। सी लेवल से अगर 7 मीटर अबव की बात है, 70 मीटर अबव की बात है, 70, अब हमको क्या साइन के साथ इंटीजर को लिखना है, 70 मीटर अबव द सी लेवल, 70 मीटर अबव द सी लेवल, तो क्या होगा, प्लस 70, सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर लिख देंगे 70 मीटर एबव सी लेवल का मतलब क्या हो गया, प्लस 70 मीटर, माइनस
बस प्लस क्या बता रहा है, डायरेक्शन को और कुछ नहीं। अगर 100 और माइनस 70 मीटर कैसे होगा, नहीं हो सकता है। माइनस इज जस्ट, देखो डिस्टेंस केवल 70 मीटर हुआ। अभी पढ़ोगे मोशन एंड टाइम फिजिक्स में, क्या पढ़ोगे मोशन एंड टाइम, उसमें मोशन तब ना जब डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे एक मॉड्यूलस फंक्शन, क्या पढ़ेंगे मोड पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, क्या पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। देखो बात को समझो, जब ये बातें छिड़ गई हैं तो पहले इसको कंप्लीट करेंगे, फिर एडिशन वगैरह होते रहेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक ही बार में हम सब कुछ कर ले, धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे। तो एबव सी लेवल अगर बात है, तो ये जो पॉजिटिव साइन है इसका मतलब क्या है, ये जो जीरो है ना न्यूट्रल प्लेस, उससे प्लस की बात हो रही है, मतलब वो केवल पोजीशन बता रहा है किधर गया है। हम यहाँ हैं, मान लो कि हमारे आगे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो हम इधर की ओर बढ़े 1 मीटर, तो पीछे कितना गए -1 मीटर। नहीं समझे, अगर हम इस डायरेक्शन की ओर ट्रेवल कर रहे हैं और दैट डायरेक्शन इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव माना हमने, इसको माना पॉजिटिव, तो 2 मीटर इधर गए, 2 यूनिट, तो इधर कितना गए -2 मीटर, कितना गए -2 मीटर। बस इतना ही समझना है गाइस, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सिंपल सा लॉजिक है, सी लेवल से किसी भी लेवल से अगर ऊपर की बात होगी, इंक्रीमेंट की बात होगी, साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, डिक्रीमेंट की बात होगी साइन क्या हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, कोई तकलीफ है इसमें, नहीं होना चाहिए। अब देखो साइन क्या बता रहा है, अगर -50 मीटर कहा जाएगा कि सी लेवल से -50 मीटर, मतलब क्या सी लेवल से डाउन जाएंगे अप जाएंगे, बिलो सी लेवल, जो -70 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, बिलो सी लेवल की बात हो रही है। हाँ नहीं समझ में आया, मेल्टिंग पॉइंट नहीं बल्कि फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है वाटर का, 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसी से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, मान लो 4 डिग्री सेल्सियस, तो वो क्या हो गया +4 डिग्री सेल्सियस। तो प्लस क्या बता रहा है कि भाई 0 से 4 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट हुआ, और यही -7 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है। तो भैया 0 से जो टेम्परेचर में है वो फॉल आया है, बिलो आ रहा है, नीचे आ रहा है, 0 से लेस हो गया। बताओ कोई तकलीफ है, नहीं ना। तो अगर ईस्ट डायरेक्शन की ओर 5 मीटर का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से, ये पॉइंट न्यूट्रल का, अब तुम यहाँ से 5 मीटर इस डायरेक्शन में चले गए, यहाँ से आ गए यहाँ, ये ओ था न्यूट्रल का पोजीशन था, कहाँ चले गए यहाँ, तो इस पॉइंट के कंपेरिजन में अब ये क्या है 5 मीटर पीछे रह गया ना। तो यहाँ अगर इस डायरेक्शन की ओर +5, इस डायरेक्शन की ओर आपका डिस्टेंस टेबल आपने करा -5, मूवमेंट आपका क्या हुआ -5 मीटर का। तो -5 करने का मतलब कि भैया आप उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जो आपने जिस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव कंसिडर करा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपने क्या किया है डिस्टेंस ट्रेवल किया है। क्लियर है मेरी बातें, तो पॉजिटिव और निगेटिव हो जाएगा, याद रहेगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, याद रहेगा ना। तो बिलो सी लेवल रहेगा तो साइन दम फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्या लगाएंगे, नेगेटिव लगा देंगे। एबव रहेगा तो पॉजिटिव लगा देंगे। क्लियर है, +5 मीटर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन +5। अ बॉडी मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन बाय 10 मीटर या फिर 5 मीटर। अ बॉडी मूव इन डाउन बैकवर्ड डायरेक्शन बाय 5 मीटर -5, कितना हो जाएगा -5 मीटर हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है मेरी बात, ठीक है सर, हो गया। और सर ऐसे बताया ना कि अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, और सर ए पढ़ी है और ए से आगे जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, मतलब सर जितना नंबर है उसी में प्लस। हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन की बात करें तो पॉजिटिव है, उसके अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो निगेटिव है, हो गया। राम जी यहाँ है, मान हमारे राम जी यहाँ हैं,
जीरो। अब आगे बढ़े ईस्ट डायरेक्शन के टूवर्ड्स गए, किस डायरेक्शन के टूवर्ड्स, ईस्ट डायरेक्शन की ओर टूवर्ड्स इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल करा 100 किलोमीटर। तो हमने पूछा कि भैया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वेस्ट डायरेक्शन, देखो सिंपल सा बात ये है, ये था यहाँ, अब जैसे जैसे इतना से दूर चलते जाओगे इधर, इधर के लिए क्या हो जाएगा निगेटिव, इधर के लिए पॉजिटिव, सिंपल सा बात। तो अगर कोई चीज़ इधर पॉजिटिव हो गया तो इसके कंपेरिजन में ये वाला पॉइंट तो निगेटिव हो जाएगा ना, तो इधर की ओर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, निगेटिव 100 किलोमीटर माइनस 100 किलोमीटर, सिंपल सा लॉजिक। क्योंकि जिससे स्पीड से आप तो इस वेस्ट डायरेक्शन से आप आगे की ओर भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, तो वेस्ट डायरेक्शन को आप जा ही नहीं रहे हो, वेस्ट में तो जा ही नहीं रहे हो, जा कहाँ रहो ईस्ट में, तो इधर वाला डिस्टेंस तो घटते चला जा रहा ना। वेस्ट की ओर अगर कहोगे बात, तुम्हारा जो डिस्टेंस है वेस्ट डायरेक्शन से जो स्टार्टिंग पोजिशन था, तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ जा ही नहीं रहा, इसलिए उस अगर वेस्ट के टूवर्ड्स पूछा जाएगा तो यहाँ क्या साइन लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। बोले इसमें कोई तकलीफ है? अब कहोगे सर डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एनी बॉडी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये जो साइन ऑफ निगेशन है ये केवल और केवल डायरेक्शन को बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में उसको जाना था उसका अपोजिट जा रहा है या फिर उसी डायरेक्शन में जा रहा था, यहाँ अपोजिट जा रहा है। जैसे गूगल मैप का यूज़ आप लोग करते हैं, जैसे ही मान लीजिए डायरेक्शन राइट मुड़ना था आप लेफ्ट मुड़ जाएं, तो डायरेक्शन राइट वाला पॉजिटिव था लेफ्ट वाला निगेटिव हो जाएगा, इंडिकेट होना बीप करना, बीप का साउंड आना शुरू हो जाएगा, आप चेक करो अरे जा गलत रास्ते में जा रहे हैं, फिर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना शुरू कर दोगे। क्लियर है मेरी बातें? कोई तकलीफ है? टॉपिक नहीं डाले हुआ एडिशन ऑफ इंटीजर्स कॉपी में, कुछ नहीं डाले हो, समझ लो बात को, एक चीज़ याद रखोगे। अभी हम लोग इसको कर लेते हैं, फिलहाल साइन वाले को कंफर्म कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन हो तो रिजल्ट क्या रहा है, पॉजिटिव। अब यही अगर अपोजिट साइन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा गाइस, रिजल्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? मतलब सेम साइंस अगर मल्टीप्लाई होगा, सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन है तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन का रिजल्ट हमेशा क्या होगा, क्लियर है? कोई दिक्कत? किस केस में? मल्टीप्लिकेशन के केस में। माइनस थ्री मल्टीप्लाइड माइनस सॉरी प्लस टू, माइनस प्लस माइनस, थ्री टू जा सिक्स, निगेटिव आया कि नहीं है? प्लस टू मल्टीप्लाइड माइनस फाइव क्या हो जाएगा, माइनस टू फाइव जा, ठीक है? कोई तकलीफ इसमें बताइए, है तो नहीं है? तो पहले इस साइन इसको नोट कर लीजिए, ये टॉपिक डाल करके ये पढ़ेंगे हम लोग, घबराने की बात, क्योंकि साइन की बात आई है तो उसको हम कंफर्म पहले कर लिए। अरे वो भी नहीं करना जरूर, वो तो वैसे ही बता दिए, ठीक है, समझ करके नोट करना है।
ओके बुआ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए लिख लो आराम से, कोई तकलीफ नहीं। इसको मिटा दूं, ये समझ में आ चुका है। अब जो आप करोगे, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, उसकी हम लोग बात अभी कर लेंगे। एक टॉपिक है अपने पास, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, ठीक है, पढ़ें आप। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर हो गया बुआ। देखो तो हम लोग अभी करेंगे चर्चा एडिशन ऑफ इंटीजर्स की, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा अभी एक और टॉपिक देख लेते हैं। ये साइन का गेम हो गया ओवर, साइन समझ गए कि सिमिलर साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या होगा, रिजल्ट पॉजिटिव होगा, रिजल्ट अपना क्या, प्रोडक्ट विल बिकम पॉजिटिव, व्हाइल व्हेन डिसिमिलर साइन, मतलब इंटीजर्स ऑफ डिसिमिलर साइन आर मल्टीप्लाइड दे विल हैव प्रोडक्ट नेगेटिव। ओके गाइस, बढ़ो आगे। हमने कहा एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, तो लेट एक्स बी एन इंटीजर, एक्स बी एन इंटीजर, तो अगर एक्स को इंटीजर है ना, देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवेन बाय, इसको पढ़ते हैं मॉड एक्स, क्या पढ़ते हैं मॉड एक्स, ध्यान समझना क्या पढ़ते हैं, व्हाट डू यू रीड इज मॉड एक्स, रीड एज मॉड एक्स, क्या पढ़ते हैं मॉड एक्स, मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग आगे क्लासेस में, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन है, क्या, मॉडुलस फंक्शन, सच दैट, अब इसकी कुछ तो वैल्यू होती होगी, कुछ तो वैल्यू होती होगी, ये जो मॉड एक्स है ना, जब इस मॉड के साइन को हम ब्रेकआउट करेंगे, रिमूव करेंगे, तो इट विल गिव अस टू रिजल्ट, प्लस एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव, एक्स इज पॉजिटिव, अगर हमारा एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है तो सिंपली एक प्लस एक्स रह जाएगा, बट दूसरा रिजल्ट देगा ये माइनस एक्स, कब, माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव, अगर एक्स का वैल्यू नेगेटिव है तो उसका भी नेगेटिव हो जाएगा, ध्यान से समझो, अगर फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल के थ्रू क्लियर होगा चीज, मोड देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्लस फाइव, हाँ, इक्वल्स क्या होगा, इक्वल्स क्या होगा, मॉड प्लस फाइव, तो भैया ये क्या है, जो फाइव है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है ना, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, सिंपली प्लस फाइव, ओके, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है, बट इफ यू टॉक अबाउट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस फाइव, व्हाट, माइनस फाइव किसकी, माइनस फाइव की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो माइनस फाइव क्या है, निगेटिव है ना, माइनस फाइव क्या है, निगेटिव है, यहाँ तुम कह सकते हो कि सिंस प्लस फाइव इज ग्रेटर देन जीरो तभी तो पॉजिटिव है, इफ एनी नंबर इज ग्रेटर देन जीरो दैट्स व्हाई दैट इज पॉजिटिव, एंड इफ लेस देन जीरो देन दैट्स व्हाई दैट इज निगेटिव, बोलो हाँ, अब देख लो ये क्या हो गया, इक्वल्स माइनस मॉड फाइव, माइनस फाइव ही होगा, ब्रैकेट लगा दी, रिजल्ट क्या होगा, माइनस, हाँ यही समस्या। अब यहाँ पर देखिए एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू फाइव है यहाँ पर या फिर माइनस फाइव, माइनस फाइव, तो हमने एक्स की वैल्यू तो पहले लिख लिया, ठीक है, एक्स के पहले कौन सा साइन लग रहा है,
माइनस साइन लगाते, लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू जो भी है वो आज जो लिखेंगे, और अगर वो ही निगेटिव है, अगर वो निगेटिव है तो उससे पहले एक निगेटिव साइन और लग जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात? नहीं समझ में आया, कन्फ्यूजन हो गया? देखो एक्स अगर पॉजिटिव है तो सिंपली प्लस एक्स उसका रिजल्ट हो गया। एक्स मतलब एक्स से कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, और एक्स अगर निगेटिव है तो ये क्या हो जाए, रिजल्ट माइनस एक्स। तो निगेटिव ऑफ निगेटिव ऑलवेज बिकम्स पॉजिटिव। ठीक है भाई, वो क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये क्या हो जाएगा प्लस फाइव। अच्छा ऐसा क्यों आया, क्यों आया ऐसा? क्योंकि माइनस फाइव जो है वो लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो। क्लियर है मेरी बात? नहीं समझ में आया, आ गया? तो अगर हम पूछेंगे डायरेक्टली आप लिख सकते हो एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस सेवन इक्वल क्या लिखोगे, मॉड माइनस सेवन इक्वल डायरेक्ट क्या लिख देंगे, सेवन, दैट मीन्स प्लस सेवन। हाँ, बिकॉज माइनस सेवन लेस देन जीरो, सिंस माइनस सेवन इज लेस देन जीरो, लेस देन गाइस जीरो। बोलो इसमें कोई तकलीफ है, एनी प्रॉब्लम इज देयर? आई डोंट थिंक सो। क्लियर है मेरी बातें? चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको आप लोग भी स्क्रीन शॉट ले लेंगे। हाँ तो भाई ये चीज़ें समझ में आ गई, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया, ठीक है, हमने आपको बता दिया कि साइन के साथ क्या गेम है, आपका कन्फ्यूजन वहाँ से दूर हो गया। आपका जो कन्फ्यूजन था माइनस माइनस प्लस होता है वो कहाँ होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है, एडिशन में डिपेंड किस पे करेगा, मैग्नीट्यूड पे, उस वैल्यू पे, किस पे डिपेंड करेगा, उस वैल्यू पे। ठीक है देखते हैं, ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है बहुत ही। और डिस्टेंस निकालने के लिए हमेशा किसी भी डायरेक्शन में मोड लगा दीजिए, रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। रिजल्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम लोग आएंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स पे, ठीक है, करते हैं इसके बाद। देखो ध्यान से कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू पहले समझना है। जैसे हम लोगों ने नंबर एंड पर देखा कि माइनस थ्री प्लस फोर कितना आया था, वन आया था, लेकिन अब यही हम कर लेते हैं फोर प्लस माइनस थ्री, क्या ये अलग है कि सेम है? बात तो सेम ही है, माइनस थ्री प्लस फोर, ये प्लस वाला यहाँ आ गया, माइनस वाला यहाँ आ गया, ऑर्डर चेंज हुआ है। क्या हुआ, केवल ऑर्डर चेंज हुआ है। अरे थ्री में टू ऐड करोगे बुआ, यू विल गेट द सम एज फाइव, एंड व्हेन यू विल ऐड टू टू थ्री और थ्री टू टू, ये भी कितना हो जाएगा, फाइव। अगर ऑर्डर चेंज करने पर सम क्या रहता है, सेम रहता है, इसको भी पढ़ना है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है पढ़ेंगे। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े हैं ना, उसके बाद वाला यही प्रॉपर्टी थी, लेकिन हम लोग पहले एडिशन ऑफ इंटीजर्स की बात कर लेते हैं, फिर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, अब हमने कहा कि माइनस फाइव प्लस टू, प्लस प्लस टू, अब क्या होगा, नंबर लाइन पे आ जाओ, जब भी बात करेंगे नंबर लाइन की बात करेंगे, जीरो, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, अब बनाइएगा, आ जाइए, आ जाइए ऑन द बोर्ड, वेरी गुड। चलिए कीजिए, बनाइए तो माइनस फाइव प्लस टू, माइनस फाइव के बाद के पास डायरेक्ट पहुंचेंगे, नहीं नहीं माइनस फाइव के पास डायरेक्ट पहुंचेंगे, गाइस वेरी गुड। हाँ माइनस फाइव मतलब लेफ्ट वार्ड, किस वार्ड, लेफ्ट वार्ड, वाओ वेरी गुड, सबको आ गया, हो गया माइनस फाइव प्लस टू, क्या आ गया, क्या आ गया, माइनस थ्री। अब देखो देखो देखो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड गुड, लाइक देखो देखो बहुआ, यहाँ पर रिजल्ट क्या हो गया, निगेटिव। तो अभी कह रहे थे माइनस प्लस निगेटिव होता है, यहाँ माइनस प्लस क्या आ गया, प्लस आ गया कि नहीं आ गया, किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड पे, वैल्यू पे। देखो
मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, और इससे पहले दो और करेंगे फिर ध्यान से सुनाएंगे। अब है अपने पास प्लस थ्री प्लस प्लस टू, दोनों पॉजिटिव है ना, एडिशन हो रहा, क्या हो रहा देखो, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन। प्लस थ्री पहले जाएंगे, प्लस थ्री पहुँच गए राइट वर्ड ना, प्लस है तो राइट वर्ड, माइनस है तो लेफ्ट वर्ड, क्लियर है मेरी बात। चलो अब कितना बढ़ना है, प्लस टू, दो और बढ़ना है, वन टू कहाँ पहुँच गए, प्लस मिला या फिर माइनस मिला, प्लस मिला या माइनस मिला, अरे भैया प्लस मिला या माइनस मिला, प्लस मिला ना, अच्छा यही क्वेश्चन करेंगे, माइनस थ्री प्लस माइनस टू। आ जाओ, जो भी सीखना है नंबर लाइन को देख करके सीखना है, माइनस वन माइनस टू। हाँ बहुत बढ़िया बनाया इन्होंने, अब देखिए कहाँ गलती हुई। माइनस थ्री में क्या ऐड करना है, माइनस टू। अब देखो यहाँ एडिशन ऑफ इंटीजर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कैसे हम एक करा देंगे। अब एक चीज़ बताओ, समस्या हो गई ना, ये माइनस वन कैसे होगा, देखो पहले का माइनस थ्री और उसके बाद माइनस टू हो रहा है, ऐड के टू ऐड हो रहा है। गाइज देखोगे देखोगे, अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर ला रहे हैं, इन्होंने जो करके दिया अभी हम करके बता रहे हैं, जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स प्लस वन प्लस टू। वेट 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 वेट। अब हम यहाँ पर क्या है, अभी हमारे पास क्वेश्चन है माइनस थ्री प्लस प्लस टू, साइन पे तो ध्यान देना है, निगेटिव साइन है मतलब पीछे जाना है, पॉजिटिव साइन है मतलब आगे जाना है। तो कहाँ आया माइनस थ्री पहले, प्लस मतलब राइट साइड, यहाँ भी तो प्लस होना चाहिए, प्लस का मतलब राइट साइड है, लेकिन यहाँ प्लस पॉजिटिव वैल्यू होगा तब तो निगेटिव हो, तो फाइनली तो माइनस जाना होगा ना, फाइनली तो माइनस हो जाएगा ना, क्लियर है मेरी बात। थैंक यू सर, देख लो अब यहाँ पर क्या होगा, वन एंड वन टू, अब कहाँ आ गए, अब आए माइनस वन, इस केस में नहीं होगा। अब सोचो ना, पूछा जाएगा क्रेडिट होता है और क्या होता है, डेबिट होता है, डेबिट ऑफ रुपीज 500, डेबिट मतलब तुमने अकाउंट से पैसा निकाल लिया, घट गया तो माइनस लग जाएगा साइन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा साइन वाले में, जैसे बिलो सी लेवल और एबव सी लेवल था ना, उसी तरह से डेबिट ऑफ रुपीज 500 तो माइनस 500, क्रेडिट ऑफ रुपीज 500 मतलब प्लस रुपीज, बढ़ रहा है अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है तो प्लस रुपीज 500, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो इस केस में एडिशन तो होगा, तो राइट साइड जाना था, लेकिन किसका एडिशन हो रहा है, माइनस टू का, अरे जा माइनस टू हो रहा, तो फिर से क्या हो जाएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन आ जाएंगे। मतलब एक्चुअल में देखो, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लो साइन को, तो माइनस थ्री माइनस टू आ जाएगा ना, प्लस माइनस फाइव तो, और ये सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है, घट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस फाइव आ जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस फाइव हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, जब माइनस थ्री माइनस टू था तो थ्री प्लस टू हुआ तब तो फाइव आया, और साइन इसके पहले क्या लग गया, माइनस लगा कि नहीं लगा, तो माइनस माइनस भी तो माइनस हो गया तुम्हारा, समझ में आ रही बात, ध्यान से समझोगे। यहाँ पर क्या था, थ्री और टू ऐड हो रहा, दोनों पॉजिटिव है, तो तुमने फाइव को एक्चुअल में क्या लिखा, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों जो इंटीजर्स ऐड हो जा रहे हैं, ऐड किए जा रहे हैं, उनको लिखा विद द पॉजिटिव साइन, क्योंकि जो उनका साइन था, दोनों का साइन सेम था ना, तो कुछ नहीं करना है, अगर साइन क्या है, सेम है, साइन क्या है,
सेम है. इफ साइन ऑफ एनी टू इंटीजर्स साइन ऑफ एनी टू इंटीजर्स या फिर इफ द टू इंटीजर्स आर ऑफ सेम साइन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा. अगर हमारे पास दो इंटीजर्स है साइन सेम है तो क्या करेंगे. बात समझिए, इसको मिटा देना भाई. रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा, क्या कर रहे एक्चुअली, हम दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर ले रहे हैं और उनका साइन क्या दे रहे हैं, वही साइन जो उनका साइन था. यही कर तो रहे. यहाँ पर भी क्या हुआ, दोनों के मैग्नीट्यूड को हमने ऐड कर लिया. साइन क्या दिया इसको, साइन क्या दिया, जो साइन इन दोनों का था. निगेटिव है तो निगेटिव डाल देंगे, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव डाल देंगे. देखो ध्यान से, क्लियर है. तो इफ द टू इंटीजर्स आर ऑफ सेम साइन देन वी एड द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ इंटीजर्स ऑफ बोथ इंटीजर्स एंड क्या करेंगे, प्रोवाइड द साइन. कौन सा साइन, जो उनके पास था, नहीं जो उनके पास था, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव. देन वी एड द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द इंटीजर्स एंड राइट विल प्रोवाइड की जब यहाँ पे राइट लिख दो, लिख देंगे राइट व्हाट बोलो सर, या फिर ऐसे लिखो एंड कीप द साइन, कीप द साइन सेम एज दे हैव. पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव. क्लियर है मेरी बात. अच्छा, कब किस चीज़ के लिए, इन ऑर्डर टू गेट देयर सम या फिर इन ऑर्डर टू फाइंड देयर सम. गेट के जगह पे आप फाइंड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, गेट के प्लेस पे फाइंड वर्ड भी यूज कर सकते हैं. मतलब देखोगे ध्यान से, दैट इज अगर हमारे पास x प्लस वाई है, दोनों एक्चुअली पॉजिटिव ही तो है, दोनों एक्चुअली क्या है, पॉजिटिव है. सिंपली क्या करना है, प्लस साइन के साथ दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड कर देना है. सिंपल सा लॉजिक. एग्जाम्पल क्या हो गया बताओ. +3 ++4 दोनों का साइन सेम है, क्या होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर लो और साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव +7. दूसरा, अगर दोनों क्या है, नेगेटिव है, दोनों के दोनों एडेंट्स क्या हमारे नेगेटिव हैं, तो साइन छोड़ो, पहले दोनों मैग्नीट्यूड को ऐड कर लो, साइन वही डालो जो कि उन दोनों के पास था या फिर है. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, -4 + -7 क्या हो जाएगा, विद नेगेटिव साइन 4 + 7 क्या हो जाएगा, माइनस. नहीं समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, आ गया. इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, देख लो हो गया. अब यही थोड़ा सा अलग हो जाएगा, कब क्या बोलो, इफ द टू इंटीजर्स आर ऑफ डिफरेंट साइन क्या हो जाएगा, डिफरेंट साइन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं लिखेंगे. क्या लिखेंगे, यहाँ पर सम भी लिख सकते, स्टेटमेंट थोड़ा दूसरा भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा देखिए क्या कर लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे.
देन वी विल राइट देयर डिफरेंस व्हाट राइट देयर डिफरेंस विद द साइन. इसमें किसका साइन यूज करेंगे, देखो यहाँ माइनस फाइव प्लस टू आया, कितना रिजल्ट आया माइनस थ्री. तो फाइव बड़ा है या टू बड़ा है, मैग्नीट्यूड बात करो तो फाइव ग्रेटर है टू ग्रेटर है, टू ग्रेटर है, फाइव ग्रेटर है ना, माइनस नहीं, माइनस प्लस छोड़ दो, मैग्नीट्यूड की बात करो, मैग्नीट्यूड की बात करो तो फाइव इज ग्रेटर दैन टू. तो जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है ग्रेटर है उसी का साइन डालेंगे. तो वी विल राइट देयर डिफरेंस और वी विल फाइंड देयर डिफरेंस विथ द साइन ऑफ क्या ग्रेटर, विथ द साइन ऑफ इंटीजर हैविंग, इंटीजर हैविंग ग्रेटर मैग्नीट्यूड, हैविंग ग्रेटर. बात समझ में आई, आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, क्लियर है मेरी बातें. ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाले का साइन क्या करेंगे, डाल देंगे. जैसे देखो अब अगर हमारे पास है प्लस एक्स प्लस माइनस वाई, प्लस एक्स प्लस माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस एक्स माइनस वाई. एक्स माइनस वाई कब, प्लस एक्स कब डालेंगे, जब एक्स हमारा ग्रेटर होगा, कब, When x is greater than y. For example, plus 5 plus minus 2. क्या हो गया प्लस, चूंकि 5 ग्रेटर है 2 से तो प्लस लग जाएगा, 5 माइनस 2 तो क्या हो गया प्लस 3. नॉर्मली भी देखोगे तो ये क्या है, 5 प्लस माइनस माइनस 2 ही तो है, 3 ही तो होगा, ठीक है 3 होगा. दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस x प्लस माइनस वाई, कोई एक निगेटिव है, ये जो यानी कि एक्स निगेटिव है कि वाई निगेटिव है, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई. कब, जब वाई ग्रेटर है एक्स से, व्हेन एक्स क्या हो जाएगा छोटा है वाई से. फॉर एग्जांपल प्लस फाइव प्लस माइनस सेवन, अब फाइव छोटा कि सेवन छोटा, फाइव ना छोटा, ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली माइनस फाइव, सॉरी एक मिनट, वाई ग्रेटर है ना, वाई ग्रेटर ना, सॉरी वेरी सॉरी, वाई माइनस एक्स करेंगे, उनका डिफरेंस निकालना है तो बड़े से छोटा को घटाएंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस सेवन माइनस फाइव, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू. नहीं समझ में आया, ये थोड़ा दिक्कत हो गया ना, जब एक्स कटने दो, चलो बुआ देख लो, हमने कहा डिफरेंट साइन है, अगर वाई ग्रेटर है एक्स से, वाई ग्रेटर है एक्स से, तो ग्रेटर मैग्नीट्यूड से हम स्मॉलर मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब उनका डिफरेंस निकाल लिए, और साइन किसका देंगे ग्रेटर मैग्नीट्यूड का. सर जो ग्रेटर नंबर रहेगा उसको पहले रखेंगे, हाँ डिफरेंस निकालने के लिए तो यही ना करेंगे. देखो यहाँ पर हम दूसरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि वी विल सब्ट्रैक्ट द इंटीजर ऑफ ए स्मॉलर मैग्नीट्यूड फ्रॉम द ग्रेटर मैग्नीट्यूड. अब हम यहाँ लिख देते, तुम लोग का डिफरेंस ना करके हम लिख देते हैं, चलो वी विल सब्ट्रैक्ट द इंटीजर ऑफ ए स्मॉलर मैग्नीट्यूड, ए स्मॉलर मैग्नीट्यूड एंड कहाँ से, फ्रॉम द इंटीजर, फ्रॉम द इंटीजर, फ्रॉम द इंटीजर ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड, फ्रॉम द इंटीजर ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड एंड पुट साइन ऑफ, पुट द साइन ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड,
ग्रेटर साइन ऑफ इंटीजर, साइन ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इंटीजर लिख लेना, साइन ऑफ इंटीजर ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड विथ द डिफरेंस, विथ द और समझ में आ गया, ये कर लेंगे। तो जिसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर है उससे स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन किसका डालेंगे, ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाले का, हो गया बात खत्म। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।